अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम मूंग दाल का डोसा बना रहे हैं। ये देखो, ये अक्खे मूंग है, ये अक्खे मूंग हमने लिए हैं और रात को हमने पानी में भिगाए। पाव किलो मूंग लेके हमने उसको पानी में भिगाए। पानी में भिगा के उसको फिर आठ घंटा ऐसा रखे पानी में, फिर छाने और कपड़े में बांध के रखे। ये देखो, बांध के फ्रिज में रखे, कैसे रूट आए देखो। एक दिन खाली भिगाए और एक दिन हमने रूट निकालने के लिए फ्रिज में कपड़े में बांध के रखे। देखो कैसे रूट आए, ऐसे ऐसे मूंग बनाने के ऐसे हमने रूट लाए। अभी देखो, ये हमने दो शिमला मिर्च लिए है, छोटी छोटी शिमला मिर्च लिए है, और हमने चार टमाटर लिए हैं, और हमने दो प्याज लिए हैं, और ये हरी मिर्ची लिए हैं। आपके हिसाब से आप हरी मिर्ची ले लो। ये आलू रहता है वो मीठा रहता है, इसलिए मिर्ची ज्यादा डालेंगे तो टेस्टी लगता है। और ये कोथमीर लिए है, और एक टेबल स्पून हमने हल्दी लिए। ये देखो, हमने ये ताजे वटाने हैं, हमने फ्रीजर में रखे थे वो लिए हैं। ये आधा पाव वटाने हैं, और मतलब मटर, और हमने तीन टेबल स्पून भर के बेसन लिए। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये तड़का देने के लिए, बघार देने के लिए आधा टेबल स्पून राई है, आधा टेबल स्पून हमने जीरा लिए है, और हमने दो टेबल स्पून हमने ये देखो अदरक लहसुन का पेस्ट लिए है, एक टेबल स्पून ये मूंग का डोसा बनाने के लिए डालेंगे, और एक टेबल स्पून आधा टेबल स्पून हमने इसे भाजी में डालेंगे। और ये हमने पांच छह बटाटे लिए, छह बटाटे को उबाल के छील के लिए। अभी बनाने का तरीका बता रहे, मूंग है ना, इसको पीसने का है, अभी आपको बता रहे। ये देखिए, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये देखो, ये आधा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखो, अभी इसमें से कोथमीर डालेंगे, और इसमें से आधी मिर्ची डालेंगे, और इसमें से आधी हल्दी डालेंगे। अभी इसको पीस के लाएंगे आधा गिलास पानी डाल के। कितना पानी लगेगा आपको बता रहे हैं। देखो, हमने पीस के लाए इसको, आधा गिलास पानी डाल के पीस के लाए, लेकिन ये गाढ़ा है। अभी इसमें और आधा गिलास पानी डालेंगे, और थोड़ा सा खाने का सोडा डाले हमने। ये देखो, आधा गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा है, इसके लिए थोड़ा पतला होना होता है, डोसा बनना मांगता ना, इसके लिए ऐसा बनाएंगे। ये देखो, मूंग दाल का डोसा बहुत विटामिन रहती है इसमें, बच्चे लोग को भी और बड़े लोग को भी, सबको अच्छा रहता सब। ये देखो, अभी इसको ढक के साइड में रखेंगे, ढक्कन रख के, और भाजी बनाने लेंगे, इसके अंदर का मसाला बनाने लेंगे। टेबल स्पून हमने तेल डाले, क्योंकि ये आलू का है। हाँ, इसमें हम ये राय और जीरा डालेंगे, आलू की भाजी है तो इसके अंदर आलू मसाले में तेल अच्छा डालने का, इसे तीन टेबल स्पून डाले, और जीरा राय डाले। अभी ये करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ते से टेस्ट उभर के आता है। अभी मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची, आलू है थोड़ा, बच्चे लोग को खिला रहे हैं तो मिर्ची कम डालो। अभी प्याज डालेंगे, और अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे प्याज के बाद, तो जल्दी से प्याज का कलर बदली हो जाएगा। अभी ये हो गया, अभी ये अदरक लहसुन डालेंगे, अदरक लहसुन को अच्छे से भूनेंगे डालेंगे। अभी टमाटर डालेंगे, अभी उसको अच्छे से टमाटर गलने तक पकाएंगे। आलू को हमने मैसेज करके रखे, अभी इसको हम डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे उसको, फिर वटाना डालेंगे। ये मटर डालेंगे, अभी शिमला मिर्च डालेंगे, और अभी इसको अच्छे से जरा पकाएंगे दो मिनट। अभी इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, और देखो पूरा मिक्स करेंगे और उतार देंगे, और चिल्ले का बताएंगे। तो अभी ये ढक्कन निकाले, अभी इसके अंदर ये बेसन डाल देंगे। आप इसके अंदर पालक डाल सकते हैं, हरा धनिया पीस के डाल सकते हैं, हरा दिखने के लिए। हमने मूंग का बना रहे हैं, हमने पालक पीस के नहीं डाले।
ये देखो अभी पूरा मिक्स करेंगे उसमें बेसन डाल के और चिल्ला बनाने लेंगे। डाल के अच्छे से उसको मिला दिए, मतलब अंदर गुठली रहना नहीं चाहिए ऐसा मिला दिए। अभी इसका बनाने लेंगे, देखो कैसा बैटर किए। ये देखो हमने तवा गरम करके लिए, अभी देखो ये डोसा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने पहले तवा गरम किए फिर डोसा डाल दिए। अभी बारीक गैस है, अभी थोड़ा टाइम बारीक गैस रखेंगे, उसके बाद फास्ट गैस करेंगे और बनाएंगे, नहीं तो डोसा चिपक जाएगा। अभी देखो फास्ट किया गैस, पूरा डोसा फैलाने के बाद गैस फास्ट किए, अभी ऊपर से तेल डालेंगे। कोई भी डोसा बनाएंगे ना हल्के हाथ से फैलाने का, भारी हाथ से नहीं, हल्के हाथ से फैलाने का और आजू बाजू तेल डालने का। आप तेल डालो या मस्का डालो, मस्का डालेंगे तो और टेस्टी लगेगा। हम तेल डाल रहे हैं, देखो तवा है ना, ये देखो जैसा ऐसा डोसा दिखने लगेगा ना जब पलटने का। और देखो हम तवा ऐसा ऐसा आजू बाजू ऐसा सब जगह अंगार जाना चाहिए ऐसा पका रहे, फिर पलटेंगे। ये देखो ऐसा दिख रहा है कि छूटेगा डोसा जब पलटेंगे। तो एक तरफ से हो गया, अभी हम इसको पलटी करेंगे। ये देखो ठीक है, ऐसा डोसा बनाने का एकदम फर्स्ट क्लास। अभी पलटा है ना, अभी ज्यादा नहीं पकाएंगे, एक मिनट ही पकाएंगे। अभी इसको पलटेंगे, ये देखें। अभी देखो डोसा हो गया ना, अभी इसके अंदर मसाला डालेंगे। मसाला डाल के चौड़ा करेंगे उसको। देखो अभी मसाला अंदर डाल दिए, देखो पूरा गोल गोल मसाला डाल दिए। अभी इसको गोल करेंगे, ये देखो रोल करेंगे, ये देखो ऐसा करेंगे। देखे हो गया एकदम फर्स्ट क्लास मूंग दाल का डोसा, इसको मूंग दाल का डोसा बोलते हैं, मसाला डोसा। देखो हमने कलर नहीं डाले हैं इसमें, आपको चाहिए कलर डाल सकते हैं, नहीं तो कलर की जगह पे पालक डाल सकते हैं। पालक भी डालेंगे तो भी चलेगा, हरा हो जाएगा, हमने पालक नहीं डाले। दाल का डोसा बनाए एकदम फर्स्ट क्लास, मसाला डोसा बनाए मूंग दाल का। हाँ ऐसा बनाओ, बच्चे लोग को भी खिलाओ, बड़े लोग को भी खिलाओ। मूंग दाल में मूंग अक्खे मूंग में, छिलके वाले मूंग में बहुत विटामिन रहती है, मूंग दाल में भी रहती है। ऐसा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैक किचन को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज।